हाँ हेलो बच्चों नमस्कार आज हम लोग इस इस पर बात करेंगे कि अगर कोई एंगल थीटा है तो उसके थ्री टाइम्स के लिए उसके थ्री टाइम्स के लिए डेगोमेटिक रेशियोज़ कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ रेशियोज फॉर थीटा ओके मीन्स थ्री अगर आप थीटा एंगल के लिए रेशियोज जानते हैं तो फिर टैन थ्री सॉरी तो अगर थीटा एंगल के लिए आप रेशियो जानते हैं तो थ्री थीटा के लिए रेशियोज़ क्या होंगे तो ऐसे में हम आइए बात करते हैं और ये बहुत कुछ एकदम समझाने की चीज़ नहीं है बहुत तो डीप में जाके है लेसन है पहले से हम लोग साइन थीटा साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टैन टू थीटा के रेशियोज़ के बारे में बात कर लिए हैं तो हम अब क्या कर सकते हैं अब अब साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टैन थ्री थीटा के बारे में बात कर सकते हैं और ये बहुत इजीली किया जा सकता है पहले के जो पहले के जो रिलेशन्स आपको मालूम है तो आइए फिर देखते हैं साइन थ्री थीटा के लिए क्या हो जाएगा ये रेशियोज़ क्या हो जाएंगे

ये तो पहले से जानते हैं तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा कॉस्ट टू थीटा प्लस ओके कॉस थीटा साइन टू थीटा अभी क्या है वैल्यूज आप रख सकते हैं यहां पर देखिए क्या देख सकते हैं साइन थीटा कॉस्ट टू थीटा के तो वैल्यूज वैसे भी हमने थ्री रिलेशन की बात किया था कि एक कॉस टू थीटा होगा तो क्या लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ओके और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी है और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये तो अभी ये क्या हो गया सो साइन थीटा और कॉस्ट टू थीटा कॉस्ट टू थीटा मीन्स हियर यू कैन राइट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोई भी रिलेशन लिखेंगे आएगा आपका वही वापस लौट के प्लस कॉस्थीटा एंड साइन टू थीटा मींस टू साइन थीटा कॉस थीटा यह है तो ऐसा रिलेशन क्योंकि साइन टू थीटा टू टू साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा मिलता है अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा रिस्पेक्ट टू पावर थ्री

and this is 1 minus sin square theta. the see sin theta minus 2 sin power 3 theta plus 2 sin theta minus 2 sin power 3 theta ठीक है अभी यहां क्या हो जाए फिर थ्री साइन थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन पावर थ्री थीटा ये ये क्या होगा साइन थ्री थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थ्री थीटा तो अभी हम और क्या कर सकते हैं कोसाइन थीटा के लिए साइन थ्री थीटा के लिए वैल्यू है और कोसाइन थ्री कोसाइन थ्री थीटा का कोसाइन आप आ, वो रेशियो पाना है आपको तो आइए फिर उसको भी देख लेते हैं अभी तो फिर इन्हीं का यूज़ हम कर सकते हैं इसके आगे बढ़ सकते हैं इसको फिर से आप देख लीजिएगा ध्यान से कि ये कैसे हो रहा है और इनका यूज़ हमको करना ही करना है तो ये कोसाइन थीटा के लिए क्या वैल्यू हो जाएंगी कॉस थ्री थीटा एंड हियर कॉस थ्री थीटा सो कॉस कॉस टू थीटा थीटा प्लस टू थीटा सो साइन कॉस थीटा एंड और ये क्या हो जाएगा कॉस अब कॉस ए प्लस कॉस कॉस ए प्लस बी ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये क्या हो जाता है कॉस थीटा प्लस टू थीटा मीन्स कॉस थीटा कॉस टू थीटा मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन थीटा एंड साइन टू थीटा इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा एंड कॉस टू थीटा भी स्वर्ट टू कॉस स्क्वा थीटा माइनस वन जो आप ऐसे ही उसी पैटर्न पर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो उस इसी जैसा आप नॉर्मल आप रिलेशन यूज करते जाएंगे फाइनली आपको वही आएगा आप इसमें से कोई फार्मूला यूज कर लेंगे वही रिलेशन आना है फाइनली ठीक है तो साइन थीटा एंड साइन टू थीटा मीन्स वट टू साइन कॉस ए सॉरी कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड देन हियर कॉस टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ओके एंड माइनस हियर टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड नेक्स्ट टू इट यू कैन राइट टू कॉस पावर थ्री एंड कॉस थीटा माइनस टू and 1 minus cos square theta and cos theta. So, sin theta uh, again you know here sin square theta plus cos square theta and this is equal to 1. So, certainly uh, we can use this relation here. So, 2 cos ओके टू कॉस थीटा रेस टू पावर थ्री माइनस कॉस थीटा माइनस टू प्लस टू कॉस थीटा ओके माइनस टू कॉस थीटा एंड प्लस टू कॉस पावर थ्री थीटा फोर कॉस थीटा रेज पावर थ्री माइनस थ्री कॉस थीटा एंड कॉस थ्री थीटा तो हो गया ये कॉस थ्री थीटा के लिए वैल्यू है तो आपको मिल क्या गया अभी तक अभी तक आपने ये पा लिया साइन थ्री थीटा क्या हो जाएगा आपने यही किया ना, कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन पावर थ्री थीटा एंड कॉस थ्री थीटा इज शॉर्ट फोर कॉस रेस्ट पावर थ्री थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अब देखिए अब एक बचा क्या थीटा के बारे में अभी आप थीटा के बारे में लिख सकते हैं तो टेन थीटा एज उल ऑफ वहां पर भी जा सकते हैं जैसे यहां पर आपने किया है ना थ्री थीटा के लिए सो आई फॉर

क्या हो जाएगा ये tan थीटा प्लस टू थीटा ओके okay. तो आप क्या लिखते हैं tan ए प्लस बी वाला फॉर्मूला tan ए प्लस बी जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं tan a ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस a ए b बी ठीक है ऐसा हो जाए तो यहीं पर क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा ओके तो फिर ऐसा नॉर्मली आप टेन थीटा की वैल्यूज वैसे ही जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे वही वैल्यू रख दीजिए टेन टू थीटा की वैल्यू ये तो टेन ए प्लस बी है टेन टू थीटा की वैल्यू आप ए और बी की प्लेस में दोनों एक ही वैल्यू रख दें टेन टू थीटा तो फिर ये क्या हो जा हो गया था टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा था तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा टेन थीटा प्लस टू टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगेन डिवाइडेड बाई वन माइनस के टेन थीटा एंड हियर टू टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा सो नेक्स्ट इट वन माइनस सो टेन थीटा माइनस हियर So tan theta minus tan raised to power 3 theta okay, and plus 2 tan theta and this is divided by 1 minus tan theta tan square theta. This is a whole divided by what? 1 minus tan square theta. and this is minus टू tan square theta and whole divided by वन minus tan square theta तो अभी देखिए क्या है ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा टन कैंसिल हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा थ्री थ्री टेन थीटा सो Or here tan three theta equals three tan theta minus tan rest to power three theta tan theta raised to power three, okay and then one minus three tan square theta. three times quantity so this is the relation here okay these are relations for 3, 3 theta and this way uh, if you want you can find four theta but here we do not need this relations for angles more than four times three times means four times, five times, six times. Okay. So uh, remember these lessons and keep watching the videos. Okay. If you are new in this channel, please subscribe the channel immediately so that you can get notifications of new videos and further other videos have to come. So you will be benefited if you come with us. Thank you very much. Keep watching and stay safe. Thank you.